Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia PG College, Churu, affiliated to Maharaja Gangan Singh University, Bikaner. First of all, on behalf of Geology Department and on behalf of Lohia College, Churu, I welcome to all of you in this morning session. In today's lecture series, I will deliver my talk on threatened avian biodiversity of Tal Chhapar Black Buck Sanctuary. विशेषकर जो second year, third year और MSc के जो students हैं, उनके course में एक field visit का भी प्रायोजन है. इस field visit में students को हम लोकल जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उनके अंदर भ्रमण करवाते हैं. इसके अलावा जितने भी नेशनल लेवल की जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, म्यूजियम्स है, उनमें भी स्टूडेंट्स का विजिट करवाते हैं. और अब तक स्टूडेंट्स को ताल छापर अभयारण्य, घना नेशनल पार्क, सरिस्का, गजनेर सेंचुरी, कोटा, देहरादून जैसे जगह पे स्टूडेंट्स का हम हर साल विजिट करवा चुके हैं. ताल छापर चूँकि चूरू डिस्ट्रिक्ट में ही है और चूरू के बहुत पास है, और यहाँ पर हर वर्ष प्रतिवर्ष जूलॉजी के विद्यार्थियों का हम भ्रमण करवाते हैं. तो ये जो व्याख्यान है ये एक सर्वे पर आधारित है. और ताल छापर में पक्षियों की ऐसी कौन सी जातियाँ हैं जो संकटग्रस्त है या उनको रिस्क है, उनके पॉपुलेशन कम होने के रिस्क के कगार पर है, इसी पे ये व्याख्यान ये फोकस रहेगा. सो माय टुडेज टॉक इज ऑन थ्रेटन्ड एवियन बायोडाइवर्सिटी ऑफ ताल छापर ब्लैक बक सेंचुरी. अब क्वेश्चन है कि बर्ड्स संकटग्रस्त क्यों होते हैं, व्हाई बर्ड्स आर थ्रेटन्ड. इसके पीछे मुख्य कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. पक्षियों का आवास और वास स्थान जो है वो पारा डिस्टर्ब कर जाता है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण. जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये फॉरेस्ट के जैसे बड़े बड़े पेड़ है ये काटे जा रहे हैं. एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के प्रसार के कारण भी इन पर प्रेशर पड़ता है. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र गति से औद्योगिकरण के कारण भी इनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. इसके अलावा पोचिंग एंड ट्रेड, शिकारी जो होते हैं इन पक्षियों का शिकार करते हैं, इनका व्यापार करते हैं, उसके कारण भी इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस. और ग्लोबल वार्मिंग जो मेन जो रीजन है इस 21st सेंचुरी का, और पर्यावरण में होने वाले जो ग्लोबल चेंजेस है वो भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स है. अभी जैसे न्यूज़ में पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जैसे भयंकर आग लग गई थी, अभी अमेरिका में अमेजोन के जो जंगल है उनके अंदर जैसे आग लगी है. तो इन नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी इनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है. द कंसेप्ट ऑफ थ्रेटन्ड बर्ड्स, संकटग्रस्त पक्षियों की जो क्राइटेरिया है इसको कौन डिसाइड करते हैं, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड IUCN हैव कैटेगराइज्ड द स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीसीज एंड गिवन देम द करंट स्टेटस. तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये पूरी दुनिया में जितने भी फ्लोरा है, फौना है, उनको ये डिसाइड करते हैं. द टर्म रेड डाटा बुक केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द अर्ली 1960 व्हेन IUCN द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन इन कंजक्शन विथ ICBP द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, जिसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के कोलैबोरेटिव एक्शन से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ. इन 1963 इंटरनेशनल रेड डाटा बुक वर कंसीव्ड बाय द लेट सर पीटर स्कॉट एज अ रजिस्टर ऑफ थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ दैट इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ थ्रेट. इन 1980 द फर्स्ट रेड डाटा बुक वॉज पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन ICBP. And in 2000, Threatened Birds of the World was published by BirdLife International. तो ये कुछ
थ्रेटन बर्ड्स संकटग्रस्त जातियों के इंक्लूड करने के लिए, उनको डिसाइड करने के लिए ये कुछ हिस्टोरिकल जो स्टेप है। कैटेगरीज ऑफ थ्रेटन बर्ड्स, संकटग्रस्त जातियों को कितनी श्रेणियों में जैसे रखा गया है, यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का अर्थ क्या है, ऐसी जातियाँ विच नॉट सीन एट लीस्ट फॉर 50 ईयर्स, ऐसी जातियाँ जो पिछले 50 वर्षों में दिखाई नहीं दी है वो विलुप्त श्रेणी में आती है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका अर्थ है लाइटली टू बी एक्सटिंक्ट, यानी ऐसे प्रजातियाँ जो विलुप्ति के कगार पर है या भविष्य में वो विलुप्त होने वाली है। एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, इसमें वो जातियां हैं जिनकी विलुप्ति का खतरा बहुत ज्यादा है। वल्नरेबल का अर्थ है रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, इनके विलुप्ति के खतरे बहुत हैं, रिस्क है। नियर थ्रेटेंड का अर्थ है कि दे आर क्लोज टू वल्नरेबल, वल्नरेबल के ये नजदीक है। लिस्ट कंसर्न नॉट क्वालिफाई एनी ऑफ द अबव, लिस्ट कंसर्न में वो जातियां होती है जो ऊपर की जो चार श्रेणियां है इसको ये क्वालिफाई नहीं करती है। और डाटा डिफिशियंट का अर्थ है कि नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जिनके बारे में कोई कॉन्क्रीट सूचना, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से ये चार शब्द ये बहुत पॉपुलर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और नियर थ्रेटन्ड। हाँ, ये एक सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का और ताल छापर के संदर्भ में। जैसे पूरे वर्ल्ड में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो 181 है, भारत में 14 हैं और ताल छापर में 6 फोना, एवियन फोना है वो आप देख सकते हो। एंडेंजर्ड कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में 351 है, इंडिया में 15 है, ताल छापर में 2 है। वल्नरेबल की श्रेणी में वर्ल्ड में 674 है, इंडिया में 54 है, ताल छापर में 7 है। और नियर बाय थ्रेटन्स में पूरे वर्ल्ड में 795 है, इंडिया में 64 है और ताल छापर में 12 स्पीसीज रिकॉर्डेड है। और टोटल देखें तो पूरे वर्ल्ड में 2001 स्पीसीज बर्ड्स की इस कैटेगरी में है, इंडिया में 147 और ताल छापर अभ्यारण्य में 27 स्पीसीज इस कैटेगरी में आप सर्वे के दौरान वहां पर आप देख सकते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव, इन इंडिया BNHS इज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, भारत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का एक पार्टनर है। विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बर्ड, BNHS स्टार्टेड इम्पोर्टेड बर्ड एरिया प्रोग्राम इन 1999। तो BNHS ने 1999 में भारत में इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज कौन सी है उनका एक सर्वेक्षण किया और इस सर्वे रिपोर्ट को एक बुक के रूप में भी इन्होंने पब्लिश किया है। दिस प्रोग्राम आइडेंटिफाइड 465 IBA साइट्स इन इंडिया एंड ताल छापर इज वन ऑफ देम। तो सर्वे के दौरान भारत में 465 ऐसे क्षेत्र है वो चिन्हित किए गए जिसमें ताल छापर अभ्यारण्य ये भी एक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड फर्स्ट कैटेगरी, इन ताल छापर सेंचुरी वी हैव 6 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स विच कम अंडर दिस कैटेगरी, इस श्रेणी की 6 पक्षी हैं वो ताल छापर में देखने को मिलते हैं। व्हाइट बैक्ड वल्चर, सफेद पीठ वाले जो गिद्ध है जीपस मेगालेसिस, दिस स्पीसीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, पहले भारत में ये व्यापक रूप से मिलती थी। टिल 1990 इट वॉज इन अबंडेंट बट डिक्लाइन रैपिडली, 1990 के बाद में इसकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। काजेज, बेटर यूज ऑफ डाइक्लोफिनेक फॉर लाइफ स्टॉक, अब इसके पीछे जो मुख्य कारण जो माना जाता है वो डाइक्लोफिनेक का यूज है। कंजर्वेशन इनिशिएटिव, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर एट पिंजोर, बक्सा और नगांव, नेशन वाइड बैन ऑन डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक को बैन किया गया। वल्चर एडवोकेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया एंड कम्स अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इस बर्ड्स को वन्यजीव संरक्षण के जो कानून है 1972 उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया। लॉन्ग बीड वल्चर या जीपस इंडिकस या इंडियन वल्चर, थर्ड वन इज फॉरेस्ट उलेट, जोलॉजिकल नेम है इसका हिट्रोग्लॉक्स बेलवीटी।
स्लेंडर बिल्ड वल्चर और जीपस टेनोरोस्ट्रिश, रेड हेडेड वल्चर और थिंग वल्चर। इस वल्चर की तालछा पर ब्रीडिंग भी है, हर वर्ष इसके ब्रीडिंग होती है। सोशियबल लैपिंग वेनेलस ग्रेगेरियस, ये स्पीसीज तालछापर में विशेषकर देखी जाती है। और लास्ट ईयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर्वे किया गया था जनवरी भर के माह के दौरान, उस दौरान ये सोशियबल लैपिंग चूरू के बान्ना जी का जो आश्रम है उसके खेतों के अंदर भी हमने इसको देखा था। इट इज माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर, इनहेबिटेंट ऑफ यूरोप एंड वेस्ट सेंट्रल एशिया। द पॉपुलेशन इज डिक्रीज रैपिडली इन दिस डिकेड, और थ्रीट्स के जो इसके जो मुख्य कारण है इसमें पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज और लैंड यूज पैटर्न में परिवर्तन के कारण। सेकेंड इज एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड कैटेगरी वी हैव टू बर्ड स्पीसीज विच कम अंडर दिस कैटेगरी। इस श्रेणी में दो पक्षी जातियां हैं जो इस श्रेणी के अंदर इंक्लूड हैं। फर्स्ट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हालांकि ये बर्ड्स जैसलमेर बाड़मेर एरिया में प्रमुखता से पाए जाते हैं, लेकिन ताल छापर में भी प्रतिवर्ष एक दो सदस्य इसके देखे जाते हैं और वो संभवतः वहाँ से लोकल माइग्रेट करके आते हैं। वैसे ताल छापर का ये रेजिडेंशियल बर्ड नहीं है, लेकिन ताल छापर में इसको हमने कई बार देखा है। इजिप्टियन वल्चर नियोफ्रॉन परक्नोप्टेरस है। अब ये जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र स्कैवेंजर्ड बर्ड्स यही बचा है, क्योंकि लॉन्ग बीट वल्चर, स्लेंडर बीट वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स के विलुप्त कहें, इनकी जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पर जितनी गाय भैंसों की डेड बॉडीज होती है उनके कैरकेस को खाने में इस इजिप्टियन वल्चर्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी हाल ही में IUCN ने इसको इस कैटेगरी में रखा है, जबकि यहाँ इसकी ब्रीडिंग अच्छी है। चूरू में भी हर वर्ष इसके 50 नेस्ट में ऑब्जर्व करता हूँ। हमारा पास में गांव है रत्नगर, वहाँ की जो सुनी हवेलियाँ है, विशेषकर जो केडिया परिवार की हवेलियाँ है, चांदकोठिया परिवार की हवेलियाँ हैं, उन हवेलियों में सपोर्टिंग बालकोनी में टोडे होते हैं, उन टोडों में इनकी ब्रीडिंग चलती है। तो यहाँ पर तो इस बर्ड्स का काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग है, लेकिन ओवरऑल इंडिया के संदर्भ में देखें तो IUCN ने इसको इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है। थर्ड कैटेगरी इज वल्नरेबल। वी हैव 7 स्पीसीज विच कम अंडर दिस कैटेगरी। इस श्रेणी में 7 ऐसे बर्ड्स हैं जो इस श्रेणी के अंदर इंक्लूड हैं और ये ताल छापर एरिया से बिलोंग करते हैं। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल एक्विला हेलिका, लेसर कैस्ट्रल फाल्को नॉमेनी। द लेसर कैस्ट्रल इज एन एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड फाल्कन स्पीसीज। इट इज ए रेयर विंटर विजिटर एंड पैसेज माइग्रेट ऑफ इंडिया, ऑकेशनली सीन इन लार्ज फ्लॉक्स। तो ताल छापर अभ्यारण्य में भी इस कैस्ट्रल स्पीसीज को हमने देखा है। सारस क्रेन ग्रस एंटीकॉन। अब हालांकि ये बर्ड्स भी ताल छापर का रेजिडेंशियल बर्ड्स नहीं है, लेकिन ये गुजरात साइड से इधर से माइग्रेट करके यहाँ पर आता है और हर वर्ष की साइटिंग होती है सर्दियों के दिनों। स्टॉलिस का बुश जेट सेक्सी कोला मैक्रोरिंग का, फाउंड इन सर्कमसाइड एरिया ऑफ सेमी एरिड कंट्री इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान, नॉन फॉर इट्स इरेटिक मोमेंट इन विंटर, मेनली प्रिफर ओपन ग्रासलैंड हैबिटेट एंड स्क्रब लैंड। और ताल छापर में भी इसकी पॉपुलेशन को है जो ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट इज सेकर फाल्कन फाल्को चेरंग, ये फोटो भी ताल छापर का ही है और सूरज सिंह जी पूनिया वहाँ पर मुख्य फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनका ये खींचा हुआ पिक्चर है। व्हाइट नेपटिट पार्स नॉकेलिस, येलो आइड पीजन कोलम्बा एवर्स मैनी। ये येलो लेग पीजन और येलो आइड पीजन, हालांकि ये जो बहुत ही रेयर पीजन की स्पीसीज है, ताल छापर में इसको ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट ग्रुप इज नियर बाय थ्रेटन्ड। इस ग्रुप में करीब 12 जातियां है वो ताल छापर के अंदर ऑब्जर्व की गई है जो इस श्रेणी में सम्मिलित है।
सिनेरियस वल्चर, एचपीएस मानकस, यूरेशियन कार्ल्यू, न्यूमेनियस आर्क्यूएटा, यूरोपियन रोलर कोरेसियस गैरुलस, या पर इंडियन रोलर भी है कोरेसियस बैंकालेंसिस, और ये यूरोपियन रोलर स्पीशीज है माइग्रेटरी है, ये भी यहाँ पर काफ़ी है। पेंटेड स्टॉर्क, ये बर्ड्स भी लोकल नहीं है, माइग्रेटरी है, और सर्दियों के दिनों में इसको देखा जाता है। इस बर्ड्स को तारानगर एरिया में भी हमने लास्ट ईयर सर्वे के दौरान ऑब्जर्व किया है। धीरवास के पास ये जो वाटर बॉडीज हैं, पानी के जो तालाब है, वहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया है। और तारानगर शावा में चूंकि कैनाल का इरीगेशन भी, इंदिरा गांधी कैनाल का, तो उसे इंदिरा गांधी कैनाल की जो लाइन जो है, फीडर लाइन है, उनके आसपास भी इस बर्ड्स को हमने ऑब्जर्व किया है। लेसर फ्लेमिंगो, ये बर्ड्स लास्ट ईयर चूरू में भी हमने ऑब्जर्व किए हैं, तारनगर में ऑब्जर्व किए हैं, और यहाँ पर जो गाजसर की गिनानी है भानीनाथ जी के धोरे के पास, वहाँ पर करीब 10 मेंबर इसके हमने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किए हैं। ब्लैक हेडेड आइबिस, अब हालांकि ये स्पीशीज भी यहाँ की लोकल नहीं है, ये आसपास से माइग्रेट करके आती है, और लेकिन इसका ब्रीडिंग नहीं है। इसका ब्रीडिंग जो है इधर रावली हिल्स में सेमी एरिड एरिया में, सीकर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सीकर में इसकी ब्रीडिंग है वो देखी गई है, लक्ष्मणगढ़ में इसकी ब्रीडिंग देखी गई है। मेरा चूंकि रिसर्च वर्क है वो ब्लैक आइबिस पे है, और ब्लैक हेडेड आइबिस इस एरिया के अंदर तालछापर में ये हर वर्ष देखी जाती है। पैलिड हैरियर, ये बर्ड्स भी माइग्रेटरी है, और तालछापर में इसको डिटेक्ट किया गया है। इंडियन स्पॉटेड ईगल, ये भी ताल छापर में है, और इसका प्रजनन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेगर फाल्कन, ये बर्ड्स भी काफ़ी संख्या में, विशेषकर क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और कई बार तो ट्रांसमीटर लगे हुए बर्ड्स भी ताल छापर में है और डिटेक्ट किए हैं। जो माइग्रेशन की स्टडी जो करते हैं साइंटिस्ट, तो उनके पैरों के अंदर छोटे ट्रांसमीटर्स हैं, रिंग है, वो इसके अंदर लगे रहती है। ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, ये भी ताल छापर का एक बहुत ही फेमस बर्ड है जो इस कैटेगरी का है। हाँ, अब इसमें है कि इन बर्ड्स के थ्रेट के कारण क्या है, क्या क्या रीजंस है। वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स फेस्ड बाय बर्ड्स इज फ्रॉम द लॉस एज वेल एज डेट्यूरेशन ऑफ द हैबिटेट। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो इसके आवास और वासस्थान का डैमेज होना। ट्रीज आर बींग फेल्ड एट रैपिड पेस टू मेक वे फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एज वेल एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो मानव की बस्तियां बन रही है, अलग अलग कॉलोनियां बन रही है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है, और पेड़ों के कटने से इनकी ब्रीडिंग साइट जो होती है वो सारी डैमेज हो जाती है। इवन एक्वेटिक हैबिटेट आर बींग ड्रेन प्लॉ फील्ड इन एंड चैनलाइज्ड। जो जलीय जो आवास है उनके पानी को भी खेती के लिए पाइपलाइन के थ्रू खेतों में ले जाते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट भी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, झीलें हैं वो सूख जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इज ऑल्सो अल्टरिंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द बर्ड। कई बार इन्वेजिव प्लांट्स हैं जो कि यहाँ के लोकल प्लांट्स नहीं हैं, दूसरे कंट्रीज के हैं, दूसरी जगह के हैं, उन स्पीसीज के इंट्रोडक्शंस के कारण भी इनमें अलग तरह का इंट्रैक्शंस होता है, और कई बार पक्षियों को विलुप्ति का सामना करना पड़ता है। बर्ड्स आर ऑल्सो फेसिंग इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम वन अनदर। पक्षियों में एक दूसरे के सापेक्ष भी संदर्भ में काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। स्पेशली द नेटिव स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद द एक्जोटिक स्पीसीज। तो स्थानीय जो जातियां हैं वो एक्जोटिक स्पीसीज है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, इंटरेक्शंस करनी पड़ रही है। द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बर्ड्स बाय ह्यूमन इज रीचिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। ह्यूमन के डायरेक्ट दोहन के कारण, एक्सप्लोइटेशन के कारण भी ये जो पक्षी है वो संकटग्रस्त के कगार पर है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, मानव की क्रियाकलाप जैसे शिकार करना, कैप्चरिंग इन पक्षियों को पकड़ना, आर लीडिंग टू ए रैपिड डिक्लाइन इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हंटिंग के कारण और इनको कैप्चरिंग के कारण इनके पॉपुलेशन में भी काफ़ी कमी आई है।
बर्ड्स आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। बर्ड्स हैं वो विभिन्न प्रकार के रसायन और टॉक्सिन्स के प्रति काफी संवेदी होते हैं, एंड कैन बिकम फैटली सिक फ्रॉम इन हेलिंग डैम आइदर बाई ईटिंग और थ्रू देयर स्किन। और ये पेस्टिसाइड होते हैं, ये श्वसन के द्वारा, भोजन के द्वारा, स्किन के द्वारा बर्ड्स के अंदर एंटर करते हैं और बॉडी के अंदर ये एकुमुलेट हो जाते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट अलॉन्ग विद DDT पेस्टिसाइड्स एंड ऑयल स्पिल्स इवन हर्बिसाइड स्प्रेइंग ऑन लॉन लेड टू डेथ ऑफ द बर्ड्स। तो DDT का यूज है, पेस्टिसाइड का यूज है, ऑयल स्पिल्स है, हर्बिसाइड्स का छिड़काव है, ये भी इन पक्षियों की जनसंख्या में कमी के मुख्य कारण हैं। इवन इनडायरेक्ट पॉल्यूशन ऑफ द एटमोसफियर हैविंग एन इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, थिंग्स लाइक एसिड रेन हैव बीन डिस्कवर्ड टू अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ फॉरेस्ट बर्ड। इट वाश्ड अवे द कैल्शियम ऑफ द सॉइल एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिच प्रे ऑफ द बर्ड्स अफेक्टिंग देयर डाइट एंड थस देयर पॉपुलेशन। तो एसिड रेन के कारण मिट्टी में जो कैल्शियम है उसके पानी के साथ प्रवाहित होने के कारण इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी है प्रभावित होती है, अंडों के कवच है वो कमजोर रह जाते हैं और इनसे इनकी पॉपुलेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है। द नेस्टिंग फीडिंग एंड रूस्टिंग एरियाज ऑफ बर्ड्स हैव फेस्ड ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ह्यूमन बींग अफेक्टिंग देयर पॉपुलेशन। बर्ड्स की जो नेस्टिंग साइट है, फीडिंग साइट है, रोस्टिंग साइट्स है, उनके अंदर ट्रबल होने के कारण इन पक्षियों की पॉपुलेशन में जबरदस्त कमी देखी गई है। ये एक नट सेल में एक सिंपल सर्वे है और ये चूंकि एक पूरे साल भर का सर्वे है, एक छोटा शोध पत्र भी इस वजह से पब्लिश हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी जो मैंने कंपाइल कर रखी थी वो मैंने इस PPT के माध्यम से आपसे शेयर करी है और इसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी, फील्ड रिपोर्ट या टूर रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। Have a good day. Have a great day. Thank you.